हेलो गाइस, आज हमारी सी एम एफ एम की एम्स कल्याणी की फर्स्ट ईयर बैच की विजिट है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। तो आज हम जाते हैं, चलिए स्टार्ट। This is Ajinkya and your most favorite guy in our match. Wow. ये क्या है? ये राहुल है। ये राहुल भी जा रहा है। राहुल कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है भाई राहुल? बता प्राइमरी हेल्थ सेंटर उसके बारे में बता थोड़ा। नहीं बता रहा है। ये बताएगा। बता भाई क्या है, मतलब क्या सीन है? ये सीमांत तो जा रहा है, सीमांत तो भी जा रहा है ना प्राइमरी हेल्थ सेंटर। वेनु वेनु कहाँ जा रहा है भाई? कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है बोल रहा है। तू कहाँ जा रहा है भाई? सामने जा रहा है। सामने क्या जा रहा है? कहाँ जा रहा है? ये फर्स्ट ईयर बैच क्रिस। आगे सीखो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। 82 क्या खा रहे हो? सर 82 खा रहे हैं। खा ले खा ले, आराम से खा ले। 84 86 21% से 83% टिकट वेयर इज टिकट? यहां बैठ जाओ यहां। इसने टिकट नहीं लिया है, इसने टिकट नहीं लिया है, इसलिए इसको बिठाया नहीं जाएगा। ओके, ये मेरे से टिकट मांग रहा है। क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? हेलो कहां है रे? ये फोन पे बात कर रहा है, इसका एक फ्रेंड की है। उसके एक फ्रेंड की प्रॉक्सी नहीं है, पकड़ो इसको। ये परेशान है, ये वेनु बैठा है और सारे कमरे दिख तो नहीं रहे। अरे अगला बार तो वाओ वाओ। अबे बोल, अबे गाना गाली दे दे, तू नहीं बोल। अरे मैं ऐसे बना रहा हूँ यार, ये देख दोनों बोले सब। ये बात ठीक सेंटर पे हम ठीक है सर। ये देख इधर ओपीडी टिकट काउंटर, ओपीडी टिकट काउंटर। ये आपका रेस्ट है। काफी सुंदर है। हाँ अजय क्या बोल रहा है? कुछ नहीं था, दूसरे बैच का है, फिर भी आया है। क्या लिखा है भाई? मेडिसिन ऑफ हर प्लांट्स। अच्छा ये एलोवेरा दिख रहा है। ये क्या है? व्हाट इज दिस मेडिसिन ऑफ हर प्लांट? क्या है ये, नाम क्या है इसका? भाई ये बंगाली का नाम पता नहीं रहा, देख देख तो शर्म आनी चाहिए इसको। ये पता है हमें, ये तुलसी है, लिखा है, दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। लेकिन ये पौधा किसका है ये समझ में नहीं आ रहा यार। इस प्लांट के बारे में बताओ जरा, सब लोग कमेंट कर बताओ इस प्लांट। अरे यार कोई नहीं बता रहा, ये प्लांट क्या है, इसका नाम क्या है? व्हाट इज दिस थिंग? देख कितना खतरनाक है। व्हाट इज दिस? संजय बोल रहा है व्हाट इज दिस? दिस इज ए मास देव जीवन एनिमल जिसका तो वीडियो में जिस मास देव। अबे इसमें क्या है, ये प्लांट क्या है? व्हाट इज दिस प्लांट? वाटर प्लांट। वाटर प्लांट वो हमें पता है पहले, मछली जल की रानी है, वाटर प्लांट है और जीवन उसका ही। क्या बोला था इसको, क्या नाम है इसका, नाम क्या है प्लांट का? मोबाइल भी गिराएगा बता दो। पानी में फर्न होगा कुछ। अच्छा फर्न वर्न है क्या कुछ? पर देखो यहाँ पे कितनी, देख वहाँ पर, देख वहाँ कितना फिस है, मछली है। नहीं देखा मैंने पहले, पर जहाँ पे अलग से यहाँ पे चप्पल रखी हुई है भाई, अलग से इतना साफ सुथरा सेंटर पे। फार्मेसी लिखा है, स्टाफ की लिस्ट है, कौन सा सेंटर है?
ये जस्ट बाहर से तस्वीर लो, अंदर आने की ज़रूरत नहीं, ठीक है? बाहर से ही देखो क्योंकि यहाँ बहुत सारे इक्विपमेंट है, ठीक है? तो ये इमरजेंसी रूम, ये सी का इमरजेंसी रूम है। देख रहे हैं वाईफाई सुविधा नहीं है यहाँ पे, वाईफाई लगा वैसे भाई। ज़बरदस्त पी एफ सी है, इसका विजिटिंग तो करना चाहिए यार सबको। आप लोगों को पता है कि केजीवाई की समय मतलब कि दैनिक शुरू से योजना जो है इसमें क्या है, मदर एंड चाइल्ड का 3 महीने जब प्रेगनेंट आता है तो मम्मी को मदर का क्या रजिस्ट्रेशन पर सामने से निकलना, वो नहीं था पढ़ दिन भी गया मतलब कि वो ए एन एम है, ठीक है? वो यहाँ वैक्सीन से वैक्सीन शेडिंग इनका होता है जिस स्टेट में वो बैठता है, और ये चेकबैक में वो बच्चों और माओ का कार्ड रहता है जिनका जिस स्टेट में वैक्सीन मिलता है वो आशा को इन्फॉर्म कर देता है, मतलब कि जो वो फील्ड वर्कर है जिसका एरिया में जितना बच्चा है और वो उनका वैक्सीन की डेट इस चेकबैक में वो काउंट करके बता देता है, या एक ड्यू लिस्ट बनता है जिससे वैक्सीन आता है यहाँ कि उस घर में जाके इन्फॉर्म कर देते हैं वहाँ को, तो वो बच्चे लेकर डिप्रेशन चले जाते हैं ताकि यहाँ वैक्सीन करा देते हैं, ठीक है? ये जो कार्ड है जो एमन वैक्सीन का शेड्यूल बना ना एमन वैक्सीन का, तो उसी का कार्ड है, तो यहाँ भी एमन में वो स्टेशन में बहुत सारे फिर ये फिलअप करके उनको रजिस्ट्रेशन करवा जाता है। ये सारे चेकअप का डिटेल्स हैं, ये जो कलम्स हैं इनमें क्या क्या माओ का 5, 2, 3, 4, 4 चेकअप में क्या क्या पैरामीटर्स है वो सभी, या ब्लड ग्रुप शुगर है या नहीं है जो कुछ भी टेस्ट है वो सभी है, और यहाँ जो मेडिसिन इनको देना होता है वो सभी चेकअप का मतलब कि इनका वेट क्या है, टीटेनस इनको दिया गया है या नहीं, और फिर बीपी क्या है, ठीक है, आयरन पर कैसे ले रहे हैं या नहीं, कितना लिया है वो सभी, ठीक है? और ये डिलीवरी के बाद बच्चों का ये डिटेल्स रखना होता है इसमें, और ये इसमें सारे पढ़ने का चीज़ है, ये मम्मी को पढ़ने के लिए भी बोलते हैं क्योंकि उनको भी ये होना चाहिए कि बच्चों को कैसे रखना है, क्या क्या करना है, वो अवेयरनेस सारी इसमें दिया हुआ है, वो मम्मी पढ़ लेता है सुबह को। और ये देखो ये वैक्सीनेशन ये कोई माँ अगर आया है जानकारी से कोई वैक्सीन लगाने के लिए आया फिर उसको हम फिर 1 महीने बाद फिर वैक्सीन लगाएंगे, तो ये काउंटर पर कट के अभी फेब्रुअरी मंथ चल रहा है, तो दीदी काउंटर पर वो काउंटर पर निकाल लेगा कि जिस महीने में उनका किसका है, ऐसी और इसको काट के रख लिया होता है। और यहाँ डेट मिला कि उनका जो एक्सपी कार्ड है मतलब ये जो फर्स्ट सेक्शन का जो ये पूरा कार्ड है वो मम्मी के पास है और ये यहाँ से मिल जाएगा, तो वो बच्चों को लेके आएगा, ये फिर इससे ये मिल जाएगा, मैच करेगा, फिर उनको वो वैक्सीन दिया जाएगा और फिर से इसमें नेक्स्ट डेट लिख के उसी महीने में रख दिया जाएगा। मान लीजिए कि अप्रैल में हो या जुलाई में हो तो फिर से वहाँ से निकल के वो देखो। हाँ ये जो फैलने वाला जो बीमारी है इनके लिए हमें जो बोली थोड़ा जो भी पहले वाले मतलब कि टी वी हो या कोविड हो जो जिस सिचुएशन में जाते हैं उन लोगों को आशा दीदी को एक प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना है, और वो वैसे इंस्ट्रक्ट दिया जाएगा ग्राउंड लेवल में जो काम करता है उन लोगों को, तो वो जाके क्या करते हैं घर में लोगों को वैसे सजेस्ट करते हैं, सिखाते हैं कैसे क्या करना है, कैसे रहना है, ठीक है? अगर किसी को टी वी का बीमारी हो जाए, ठीक है, उनका टेस्ट में वो चला आया, तो ये दीदी लोग क्या कहते हैं वो मेडिसिन थ्रू आशाओं को उनके फैमिली में भेजा जाता है कि उनको खाने के लिए, ठीक है? तो ऐसे ये लोग वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है? रखा गया है, पोर्टल भी डाला गया है, वैक्सीन किया हुआ है, मेडिसिन भी दिया गया है डॉक्टर से, आशा लोग घर में जाके उनको दे के आते हैं और ये भी फॉलो करते हैं कि वो मतलब कि घर में ही रहे, ठीक है, और मत फैलाए बाहर मत जाए, ठीक है, ये सब ये लोग करते हैं, ठीक है? चलो हम देखिए सर अच्छा अच्छा बैटरी ओ अच्छा ये सब ये मशीन प्रोटेक्ट है, ये जो ग्रीडे फाइल है ना ग्रीडे फाइल ये प्रोटेक्ट करता है।
सैंपल सैंपल रोटेट करते हैं इसमें, और ये कैलोरीमीटर है, ये तो देखा है, और ये अच्छा टेस्ट करते हैं उनके लिए सेमीटर, और ये अच्छे अच्छा, और ये आपका इनक्यूबेटर है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 36 अच्छा, और ये आपका सेंट्रीफ्यूज मतलब सैंपल को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो सीरम सीरम है ना सीरम उसमें निकलता है, अच्छा, और सर वो जो मशीन का जो टेस्ट है हाँ सारी सारी सैंपल सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अच्छा नहीं सर वाटर बाथ का उसका क्या तो सैंपल बाहर रहता है अंदर रहता है सब कुछ अच्छा यहीं पे रहते हैं सैंपल अच्छा तो सेक करने का पर्पज क्या है सर अच्छा वो ये पता चल जाता है देख के ठीक है सर थैंक यू सर और कुछ है एक्स्ट्रा जो बताइए हाँ वॉश मटेरियल जो है वॉश मटेरियल इसमें डालना पड़ता है बेसिन में वॉश बेसिन में डालना पड़ता है उसके बाद 1% एक्सप्लोरेट सोल्यूशन दोनों मिक्स होता है यहाँ पर अच्छा सर ठीक है इसके बाद अगर 5 to 10 minutes रखते हैं उसके बाद ये ग्रेडेड से मतलब एकदम यही से कंप्लीट उसको डीस्टरलाइज करके मतलब जैसे बैक्टीरिया वगैरह रिमूव करके फिर सीवेज में छोड़ते हैं पाइपलाइन ये बाहर जा रहा है सीवेज में मतलब बाहर जा रहा है तो उसको वहीं से बैक्टीरिया वगैरह सब हटा दिया गया ताकि ग्राउंड वाटर वगैरह जो ख़राब नहीं हो ठीक है सर थैंक यू सर हाँ इन्फेक्शन वगैरह ठीक है थैंक यू सर सीजन क्या बोल रही है ऐसा कभी नहीं देखा भाई हमने मतलब देखो स्लीपर मतलब स्लीपर मिल रहा है अंदर कचरा ना आना चाहिए उसके लिए देखो रैंक 1 था ना इसका इसने स्टेट में टॉप किया है पता है किसान सेंटर ने गजब है नाइस चलो भाई चलो क्या लिखा है ये इसमें पानी आता है क्या गर्म ठंडा नहीं चल रहा ओके हार्दिक बोल रहा है यूट्यूब पे छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा हार्दिक तेरे को इम्प्रूव करूँ नहीं करूँ ठीक है भाई तू तो हमेशा के लिए रहेगा वीडियो ये देखो हमने स्लीपर्स बाहर ही खोले थे सारे के साथ अंदर है भाई क्या मिल रहा है थैंक यू मैम ये मिठाई मिली है किसको भी मिल गया फाइनली भाई खोल के देखते क्या है इसमें क्या क्या चीज़ है क्या है देखते हैं भाई क्या तुम्हें भी कुछ दिखे है नीतीश बड़ा एक्साइटेड है कि ओह माय गॉड चाउमीन बिरयानी के डब्बे वो तो पोपट हो गया इसका बिरयानी के डब्बे में चाउमीन हार्दिक सोशन हो रहा है पैकेट भाई गरम गरम खा लो सर बोले बस में चले जाओ गरम गरम खा लो चुपचाप क्या नहीं कुछ नहीं ये आप नवीन है देखते इसको मिला है अरे चप्पल अंदर क्या हो भाई इतना अच्छे से बताए सारे अंदर रखो चप्पल और अब ये क्या चीज़ है इस पौधे के बारे में नहीं बताया भाई लगी यहाँ पे देखो इतना बताओ इसके बारे में ये खाली है ना तू ले गया होगा दो चार फोटो ले इसको सबसे पहले कॉल करो ये हमारे बेस्ट का हैंडसम बंदा है
हैंडसम है ना तू, राहुल भी हैंडसम है, दो दो हैंडसम एक साथ दिख रहे हैं भाई, आज तू पक्का वायरल होने वाला है। फाइनली आ गए हम लोग, सारे के सारे बाहर आ गए, देखो हो गया कितने मन ले ले ओके सर, जा रहे हैं लाइन लाइन करके बाद में चल जाओ, अरे मेन रोड है, गाड़ी चला है इसलिए बोल रहा हूं, चलो ठीक है सर। अर्जुन के लिए क्या मोड़ा, क्रिस के में क्या था, क्रिस के में क्या निकला था, रबर गंडम का ऊपर क्या निकला, खा लिया तूने, रबर बोल रहा है भाई, फाइनली खा लिया तूने, खा लिया ओ भाई, उसके लिए बचा के रखा है, ठीक हो गया, संभालो मुझको यारा, संभलना मुश्किल हो गया, कोतो नाम में ये क्या हो गया, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी कि तेरे